वेलकम टू HRF फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यमी पनीर टिक्का सैंडविच बनाएंगे। एकदम आसान रेसिपी है और आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पनीर का मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून दही, उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और नमक आपके स्वाद के हिसाब से। थोड़ा सा तेल डालेंगे, अराउंड 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे, अराउंड 150 ग्राम्स। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप शिमला मिर्च कटी हुई और 1/4 कप प्याज कटी हुई। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट कर लेंगे। अराउंड आधे घंटे के लिए इसे हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मैरिनेशन हो गया है। तो 1 टेबलस्पून तेल ले लेंगे अब हम एक पैन में और इसको गरम कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड पनीर, शिमला मिर्च और अनियन। वन टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको अब हम तब तक पकाएंगे जब तक सारा पानी सूख नहीं जाता और ये एकदम ड्राई नहीं हो जाता। हमें शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा क्रंची ही रखना है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ तब तक पकाना है जब तक पानी नहीं उड़ जाता। अब हम ले लेंगे एक ब्रेड स्लाइस और उस पर हम लगा लेंगे बटर। ब्रेड आप अपने हिसाब से ब्राउन या फिर वाइट या फिर मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम लगा लेंगे ग्रीन चटनी, पनीर टिक्का की फिलिंग डालेंगे इसमें, चीज स्लाइसेस, चीज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब दूसरे स्लाइस पे हम लगा लेंगे बटर और तंदूरी मेयोनीज। अगर आपके पास तंदूरी मेयोनीज नहीं है तो आप नॉर्मल मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं। इस पे ऊपर से हम थोड़ा बटर और लगा लेंगे ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ जाए इसमें। मैं इसे ग्रिल में पका रही हूँ, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसको पैन पे भी पका सकते हैं। थोड़ा सा बटर और लगा लेते हैं दूसरे साइड पे और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाता। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीज़ भी ऊज आउट हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी, बहुत ही यमी, टेस्टी, फ्लेवरफुल पनीर टिक्का सैंडविच रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हैप्पी कुकिंग।